Hey everyone, welcome back to my another video. आज मैं आपके साथ लिपस्टिक का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ और ये लिपस्टिक है पर्पल की मिनी लिपस्टिक्स और मैंने पर्पल का फाउंडेशन यूज़ किया है, लिक्विड लिपस्टिक यूज़ की है, काजल यूज़ किया है, कॉम्पैक्ट यूज़ किया है एंड ये वाली जो बड़ी वाली लिपस्टिक आती हैं वो भी मैंने यूज़ की है। तो मुझे इसके सारे प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे लगे, ज़बरदस्त प्रोडक्ट हैं, तो आज मैं आपके साथ इनका रिव्यू शेयर करूंगी। तो ये है पर्पल मिनीज अल्ट्रा HD मैट लिपस्टिक पैक ऑफ 4। इन्होंने ऐसे ही 6 किट्स बनाई हैं हर एक स्किन टोन के अकॉर्डिंग। जैसे कि आपकी स्किन अगर डस्की है तो उसके अकॉर्डिंग आपको किट मिल जाएगा, मीडियम है तो उसके अकॉर्डिंग आपको किट मिल जाएगा, फेयर के अकॉर्डिंग आपको किट मिल जाएगा। हर एक किट में आपको 4-4 लिप शेड मिल जाएंगी इस तरह से। सो फ्रेंड्स, प्रोडक्ट की आउटर पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, पिंक एंड पर्पल कलर में आपको पैकेजिंग मिल जाएगी। ये है पर्पल मिनीज अल्ट्रा HD मैट लिपस्टिक पैक ऑफ 4, किट नंबर 2 मैंने यहाँ पे परचेज़ किया है एंड बैक साइड में यहाँ पे प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं। और प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ की बात करें तो 3 साल की आपको शेल्फ लाइफ मिल जाएगी फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग डेट। MRP की बात करें तो 415 रुपये आपको MRP मिल जाएगा और अगर आप डिस्काउंट में सेल वगैरह में बाय करते हैं तो आपको और भी डिस्काउंट मिल सकता है। तो हर एक किट के अंदर आपको 4-4 लिप शेड मिलेंगे, आप देख सकते हो। ये जो मैंने किट परचेज़ की है ये फेयर स्किन टोन के अकॉर्डिंग आती है। तो इसके अंदर इन्होंने जो भी शेड रखे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। और देखिए, मैं आपको अगर कंपैरिजन करके दिखाऊं पर्पल की जो बड़ी लिपस्टिक है मेरे पास उससे, तो देखिए छोटे लिपस्टिक का साइज आप देख सकते हो कितना है। और प्रोडक्ट की क्वांटिटी की बात करें तो 1.5 ग्राम्स है और काफ़ी पिगमेंटेड लिपस्टिक है। 5 से 6 घंटा आपके लिप्स पे रह जाती हैं। अगर ये लिप्स से चली भी जाती हैं तो इनका जो स्टेन होता है वो लिप्स पर रह जाता है। और बड़ी लिपस्टिक से तो मुझे ये छोटी लिपस्टिक ज़्यादा अच्छी लगती हैं क्योंकि हमारा प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होगा। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... नंबर 23 और आप देख सकते हैं कितना प्यारा लिप शेड है। ये लिपस्टिक काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। ये लिपस्टिक आपके लिप्स पर आराम से 5 से 6 घंटा टिक जाती हैं। बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है, बजट फ्रेंडली है। अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं तो ये लिपस्टिक आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। बजट फ्रेंडली है एंड काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत ज़्यादा स्मच भी नहीं करती हैं और थोड़ी देर के बाद ये बिल्कुल सेट हो जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा ये यू नो ट्रांसफ़र भी नहीं होती हैं। सारे ही लिप शेड मुझे बहुत ही पसंद आए, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें जो शेड नंबर 4 है ये है बैक बेंच पार्टनर, इसके अंदर इन्होंने थोड़ा सा शिमर ऐड किया हुआ है। ये एक लाइट पिंक शेड है और इन्होंने इसके अंदर शिमर पार्टिकल्स ऐड किए हुए हैं।
अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, अदरवाइज ये सारी शेड बहुत अच्छे लगे मुझे, काफ़ी अच्छी लिपस्टिक्स हैं। सो गाइज, आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो इसको लाइक कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। टिल देन बाय, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।